एक मतलब नाम बने। अब चारों की तारीफ सुन ली तो आप अपनी जुबानी पर सुना दो। जी बिल्कुल, ये मेरी डफर्स की टीम है। सबसे पहले जो है लिरिक्स राइटर्स जी बैठी हुई हैं, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे गाने कंपोज किए हुए हैं और बहुत ही अच्छे लिखा हुआ इन्होंने गाना। और शकील जी की तारीफ करें तो जितनी भी तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि शकील ने ब्रिकटन से हमारी फिल्म को रिलीज़ किया गार्जियंस को। इस इतने अच्छे लेवल पर इन्होंने जो प्रेजेंट किया मुझे, मेरी फिल्म को जो प्रमोशन दिया, तो उसका मैं घायल हूँ कि इन्होंने जो लगन मेहनत से मुझे, क्योंकि फिल्म बनाना आसान होता है लेकिन फिल्म को रिलीज़ करना बहुत ही टफ होता है, तो फिल्म को जो इन्होंने अपने तरीके से प्रमोट किया प्लानिंग के साथ में, पूरा टीवी चैनल के साथ में, प्रिंट मीडिया के साथ, अखबारों के साथ, जितना भी प्रमोशन किया वो मतलब मेरे लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। और अभी लाइन से फिल्में भी कर रहा हूँ, और इन्होंने मुझे जो है अभी वी आर डफर्स को प्रेजेंट भी कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि फिल्म बनाओ सचिन, हम आपके साथ हैं, हम प्रेजेंटेशन में कोई कमी नहीं होगी, आप जो चाहेंगे वो हमारे साथ लेके जाइए। सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ही हेल्प मुझे आज के तारीख में बहुत ही हेल्प कर रहे हैं, तो जितना भी तारीफ मैं करूँ उतना कम है। लाइफ का कोई स्पेशल बर्थडे आज को छोड़कर? आज के जैसा कभी स्पेशल नहीं, और भी हमारे फ्रेंड्स आज बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि प्लानिंग बर्थडे पार्टी जो इन्होंने दिया है शकील जी ने और उनके छोटे भाई अखिल जी ने सारा अरेंज किया है, और मुझे बुला करके ये इन्होंने सामने से मुझे ये मेरे लिए मतलब गिफ्ट है, ये इन्होंने खुद से बनाया सारी चीज़ प्लानिंग। नेक्स्ट फिल्म के लिए तैयारी क्या है? नेक्स्ट फिल्म की तैयारी है जो वी आर डफर्स है, वी आर डफर्स में भी इनको भी मैंने कास्ट किया है, जो रोहित सिंह जी हैं, समीरा जी हैं, अर्शी खान जी हैं, और राज विद्या हैं, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और काफ़ी चीज़ों को मिला करके अभी हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करना इनसे हमको मतलब कंटिन्यू बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और ये सब है। और गाना मैं और सुनाऊँगा, एक विभा जी ने नहीं सुना जो दूसरा गाना कंपोज हो रहा है, एक और गाना बहुत ही अच्छा गाना हो गया है, तो मैं सुनाना चाहूँगा सारे को। कैसी है दिल की बेबसी, आँखों ही आँखों में तू है बसी। कैसी है दिल की बेबसी, आँखों ही आँखों में तू है बसी। मेरे अक्ष का मेरे नक्श का ढूंढे अब निशान, दिल है तेरा क्या कसूर मेरा, तेरी ही चाहत में मैं खुद से बेगाना हूँ, शायद खुदा का है एक नजराना तू। कैसे तुझे मैं भूल के जी लूं, कैसे मैं हर लम्हा वो भूल। तेरे आशिक का तेरे नक्श का मैं ढूंढूं अब निशान, कैसी है दिल की बेबसी, पूजा आपके साथ बैठी हुई थी, फोन नहीं उठा रही थी। एक्चुअली पूजा अच्छा वो पूजा